हेलो हेलो। हाँ पापा, आप सुन रहे हैं मेरी बात? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं पढ़ना चाहता हूँ पापा। मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है पापा। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर रहा हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं गिर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। ऐसा कैसा? बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। देखते ही देखते आँख लग गई। हेलो, हाँ रामू की मम्मी, सुनती हो? कब आना है? काफ़ी दिन हो गए, आ जाओ, अब मन नहीं लग रहा। रामू भी परेशान है, कहता है उसे पढ़ने की बहुत इच्छा है, पढ़ना चाहता है। पढ़ने के लिए बहुत ही बेकरार है वो, कह रहे क्या करूं, कहाँ से लाऊं। सोचता हूँ कहीं से व्यवस्था कर लूं कुछ पैसे की और उसकी एडमिशन करा दूं। जिंदगी तो कट गई किसी प्रकार, पर मैं रामू की जिंदगी को इस प्रकार बेकार नहीं होने दे सकता। उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना ही होगा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रामू बेटा, जरा सुनना। हाँ बाबा, बोलिए। बेटा मैं क्या कह रहा था ना, कि जो अपनी जमीन की एक टुकड़ी है उसे बेचकर मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। तुम्हें पढ़ने का भी बहुत शौक है। नहीं बाबा, अगर हम उस जमीन की टुकड़ी को बेच देंगे तो फिर खेती कैसे करेंगे? अब बिना खेती के हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबा। हम वह जमीन की टुकड़ी नहीं बेच सकते हैं, हमें कोई और उपाय करना होगा। मैं जमीन की टुकड़ी बेच करके अपना नामांकन नहीं कराऊंगा बाबा। अरे रामू की मम्मी, आ गए तुम? आओ बैठो, बहुत दिन बाद आई हो। सब ठीक है ना वहाँ? और कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में ना? वो मैं क्या कह रहा था ना, कि रामू पढ़ने के लिए तो बहुत ललायित है, तो क्यों ना हम अपनी खेत की एक जो टुकड़ी है उसे बेचकर उसका एडमिशन करा दें। वो भी पढ़ना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम वो खेत की टुकड़ी बेच देंगे तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हम क्या खाएंगे? कैसे हमारा जीवन यापन चलेगा? हमारी तो भुखमरी आ जाएगी। आप कोई और तो उपाय करो रामू के पापा। हम वो ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। वो ज़मीन बेचकर हम कंगाल हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, कोई उपाय आप कीजिए दूसरा। ठीक है, अगर जमीन बेचने के लिए कोई सहमत नहीं है, जमीन नहीं बेचते हैं, लेकिन हमें पैसे की तो व्यवस्था करनी ही होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, दिन में खेत में काम करने के बाद रात में नाइट वॉचमैन की जॉब कर लेता हूँ, तो आके कुछ पैसे इकट्ठा हो सकें। क्या कहते हो तुम सब? ठीक ठीक है, है, ऐसी बात ऐसी है बात है तो तो मैं भी कुछ काम करूँगी। मैं भी कुछ अपने काम घर का करके काम खत्म घर करने का के काम बाद करने अगल के बगल बाद मोहल्ले में कुछ अगल काम बगल देखती हूँ। अगर किसी अगर के यहाँ कुछ कुछ काम काम मिल मिले जाता तो मैं है भी कुछ काम तो कर मैं भी कुछ लूँगी, काम कर मैं भी लूँगी। कुछ पैसे ऐसे भी इकट्ठा हो टाइम तो मेरे सकते हैं। पास बहुत है। और देखती हूँ रामू कुछ का काम एडमिशन कर तुम लेती हूँ, करा अगर दो। मोहल्ले में मिल जाता है तो देखती हूँ कुछ मेरी पैसे अगल इकट्ठे बगल हो कुछ काम जाएंगे, मिल जाए तो ये कर भी ठीक लूँगी। रहेगा। मेरे कारण आप लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं, आप लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। मेरे पास तो बहुत टाइम रहते हैं। अगर मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दूंगा तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी एडमिशन के लिए सुविधा हो जाएगी। मैं भी यही करूँगा।